केस आज भी हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सीबीआई ने शिव कुमार पांडे और शंकर कुमार पांडे दोनों को इस केस में क्लीन चिट दे दी है। दोनों भाई मानते हैं कि उनकी कुबेर स्थान के शिव मंदिर के प्रति आस्था ने उन्हें इस मुश्किल घड़ी से उबारा। उस समय जो है 2-3 साल तक सीबीआई जांच चली है, जो मुकदमे में मतलब कुछ लोग दोषी भी पाए गए हैं और कुछ लोग निर्दोष साबित हुए, जिनको जो है वो सीबीआई ने बरी कर दिया। और आज के डेट में भी हम कुबेर स्थान का ही जो है मतलब कुबेर भंडारी को ही मान के चलते हैं कि अगर जो मेरे प्रति कोई भी घटना होती है, कोई भी होता है, तो मैं सीधे याद कुबेर भंडारी को करता हूँ और मुझे वो रक्षा करते हैं। इस साल तो कमाल हो गया शंकर। क्या हुआ भैया? देख, इतना फायदा पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ भैया, बाबा ने मेरी आंखें खोल दी। मतलब कुछ समय पहले मैंने कहा था ना कि मैं अपनी आस्था की परीक्षा लेना चाहता हूँ। हाँ कहा था। तो बस मेरी परीक्षा पूरी हुई, बाबा ने बिना कुछ दिए ही इतना सारा फायदा करवाया है हमें। सब कुबेर आस्थान की महिमा है। बिल्कुल, फायदा तो होना ही था। हाँ भैया, और अब मैंने भी निर्णय कर लिया है कि मंदिर के बाहर दर्शनार्थियों के लिए एक बड़ी सी धर्मशाला बनवाऊंगा। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है शंकर। अब देखना, हाई कोर्ट का भी केस हम ही जीतेंगे। बेशक, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जब तक कुबेर स्थान के प्रति मेरे मन में आस्था और विश्वास है ना, मुझे लगता है कि मैं एकदम सुरक्षित हूँ, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन शंकर, एक चीज कभी मत भूलना। क्या? अपनी आस्था को कभी कम मत होने देना। अरे भैया, कभी नहीं। इनके लिए जो है हम लोग मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि इनसे आस्था जुड़ा हुआ है और इनसे कोई लालच नहीं है। मैंने जब वो घटना हुआ उसके बाद 2 बार यज्ञ भी कराया, किसी से चंदा नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो है पैसा बचते गया भगवान के दरबार में। आज के डेट में भी चाय वालों की दुकान पर मैं रखा हूँ, जो कि सार्वजनिक खर्च में आएगा। और मेरा एक मतलब विचार भी बना हुआ है, जैसे अभी जो है उसको मीटिंग कराऊंगा कुछ दिन बाद, जो एक धर्मशाला के नाम से जो है कुबेर भंडारी के धर्मशाला जो है बनवाने के, उसके लिए भी कुछ पैसा मैं इकट्ठा कर चुका हूं और कुछ ही दिन बाद जो उसका निर्माण शुरू करा दूंगा मंदिर का, सारे जनता के सहयोग से। इनकी कृपा से हमारी यहाँ दुकान जो है ठीक ठाक चल रही है। मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर के रहने वाला हूँ, धीरे धीरे आए और देखे कि कैसा यह मार्केट चलेगा। लेकिन ये शंकर भगवान जी के कुबेर भंडारी जी का नाम लेकर के गोड़ लगे और गोड़ लगने के बाद यहाँ रह गए और रहने के बाद से आज हमारा जो है काम विस्तारपूर्व से चल रहा है। हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी कि हम लोग 5 भाई थे और 5ों भाई एक इकट्ठा थे, और जब हम लोग में खंडन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उस समय हमको विरासत में कुछ नहीं मिला और हमने आस्था किया भगवान भोलेनाथ पर, और भगवान भोलेनाथ ने हमको हर तरह से संपन्न कर दिया। हमारे बच्चे आगरा पढ़ता है, कोई देवरिया पढ़ता है, कोई इंटर करता है, और इनकी ही देन है कि हम जहाँ नहीं थे वहाँ तक पहुँच गए। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम बहुत ठीक ठाक हो गए हैं और हम हर तरह खुशहाल। तो ये थी सच्ची कहानी जो घटी 2 किसान भाइयों के साथ। मुश्किल घड़ी में आस्था किस रूप में मदद करी ये कोई नहीं जानता। मानो तो चमत्कार, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अब बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।